आ गए हैं। ये आपकी चटनी है फेमस ग्रीन सॉस, ये 300 से मीठी वाली है। चलिए तो आपका कहना है आपके 20 साल पुराने और यहाँ से सबसे पुरानी चाप आपकी। ये बस स्टैंड हुआ करता था। जो गाड़ियाँ ऊपर से आ रही आके देख रहे होंगे आप, मेरे को यहाँ से ऊपर जाना है। हम अब यहाँ से नहा धोकर खाना खाकर ब्रेकफास्ट करके ऊपर जाएंगे। यहाँ से ऑलमोस्ट कोई 10-12 किलोमीटर दूर हमारा माता रानी का मंदिर है, देख सकते हैं। बजरंगी भाई बैठे हुए हैं और वो झगड़ रहे हैं और मुख्य चौक करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग ब्रेकफास्ट किया, हमने तय किया कि हम लोग आज खाली पेट ही दर्शन करेंगे, सुच्चे मुंह जिसको बोलते हैं, सुच्चे मुंह दर्शन करना ते भाग्य नहीं गल्ला। हमारे सनातन में बोला जाता है, तो जो कि हम लोग कहते हैं कि हमारी ये श्रद्धा है कि हम लोग एक खाली पेट जिसको हम डोगरी में सुच्चे मुंह बोलते हैं, सुच्चे मुंह दर्शन करेंगे। और हम लोग जा रहे हैं अपनी माता के दरबार की तरफ, ये रास्ता ले जाएगा हमको माता के दरबार की तरफ। तो अब हम आपको वहाँ ही दर्शन जब करते हैं, जहाँ माता के टेम्पल में पहुँचते हैं, हम आपको वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। हम पहुंच रहे हैं माता बगला मुखी के दरबार में, इतना बड़ा यहाँ पे हमने ध्वज लगा रखा है माता बगला मुखी का। वो जयकारा माँ बगला मुखी का, वो सांचे दरबार की जय। यहाँ पे हम अपनी गाड़ी पार करेंगे, फिर हम नीचे जाएंगे। आपको
धर्म होता है। माता जी प्रसाद वापसी में लेते हैं, वापसी में लेंगे, अभी लेंगे, अभी हाथ में लेंगे। चना चाट भैया जी, चना चाट बेच रहे हैं। ठीक है, ठीक है, यहाँ का मशहूर चना चाट। प्रसाद 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 लेना जी, हम पहुंच गए माता के दरबार में, वहां पे हवन जग चल रहा है। हमने अब दर्शन कर लिए हैं, क्योंकि अभी मैं आप अंदर आपको अंदर का दृश्य दिखा नहीं सका। माता के दरबार में फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी, इसलिए बाहर बाहर से मैं आपको दर्शन दिखा रहा हूँ। दर्शन कर आ नहीं सकता, बस बाहर का आउट व्यू है जहाँ से मैं आपको यज्ञशाला दिखा सकता हूँ। हर वीरवार को जहाँ यज्ञ होता है और लोग दूर दूर से यहाँ पर यज्ञ करवाते हैं माता के दरबार में, जिनकी मनोकामना पूरी होती है। अभी हमें थोड़ी जानकारी ली थी कि जिनके अलग अलग प्रकार के हवन होते हैं, कोई मीठा हवन, कोई कड़वा हवन। माता के दरबार में जिनकी मनोकामना पूरी होती है, जो मनोकामना करना चाहते हैं, उनके जो हवन पूरे होते हैं। तो ये मैं दिखा रहा हूँ, जहाँ पे यज्ञशाला नंबर 4 है 3 है 2 है, सबके अलग अलग हैं, जो लोग दूर दूर से जहाँ हवन करने आते हैं। और माता का दरबार में मैक्सिमम पंडितों ने, हमारे लोगों ने जहाँ पीला वस्त्र पहनते हैं, जो कि माता का वस्त्र है, माता का चोला का जो रंग पीला
माता के मंदिर का रंग पीला और उनका ध्वज भी पीला, देख सकते हैं आप। और ये माता का दरबार है जहाँ माता का मंदिर है, अंदर जाके बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। पहाड़ों के बीच ये माता बगलामुखी का मंदिर बहुत ही भव्य। जा रहे हैं प्राचीन शिव मंदिर पे, बस ये पोल सीढ़ियां नीचे जा रही हैं, जाते जाते अब आपको दिखा देंगे। यहीं से आपको दिखा सकता हूँ मंदिर का दृश्य। और ये देखिए पहाड़ों के बीच, बीचों बीच ये माता का मंदिर है। और महाकाल, यह शिव, हर हर। ते हैं प्राचीन शिव मंदिर, पंडित जी तिलक कर रहे हैं। उनको तिलक लगाते हुए बहुत अच्छा, क्या आप हमें बताइए, इस मंदिर का, ये मंदिर माता बगलामुखी का, ये कितना पुराना है और इस माता के मंदिर का क्या महत्व है? लोग कितने दूर दूर से यहाँ पे माथा टेकने आते हैं और किस तरह यहाँ पे मनोकामना पूरी होती है? जय माता दी जी। जय माता दी। पंडित प्रियंबर शर्मा जी, बगलामुखी। देखिए जी, माता बगलामुखी जो है 10 महाविद्याओं में से अष्टम महाविद्या, जो कि भगवान श्री रामचंद्र द्वारा यहाँ पे स्थापित त्रेता युग। माता बगलामुखी के मंदिर की स्थापना जो है वो भगवान श्री रामचंद्र द्वारा हुई है, जो कि त्रेता युग में हुई है। तो बगलामुखी जो है 10 महाशक्तियों में से अष्टम महाविद्या, जिनको माता बगलामुखी के नाम से जाना जाता है, जहाँ पे माता रानी के चरणों में आकर के लोग अपनी पूजा अर्चना इत्यादि करवाते हैं और वो शीघ्र शीघ्र फलीभूत होती है। तो मंदिर जो है ये त्रेता युग की स्थापना है, जैसे श्री रामचंद्र जी ने भी जहाँ पे आकर के पूजा अर्चना करी है जी, और जो मेघनाथ ने जहाँ पे आकर के तपस्या करी थी, मेघनाथ का यज्ञ जो था वो लक्ष्मण जी ने और हनुमान जी ने मिलकर कर के विध्वंस कर दिया था, वो स्थान भी यहीं पर है। और ये बगलामुखी जो है, बगलामुखी को पीला, जैसे आप देख रहे हैं मंदिर में सभी जगह पीला पीला है जी, और ज़्यादातर हवन यज्ञ करने की जहाँ पे प्रथा है। तो माता बगलामुखी जो, बगलामुखी जी को जो है पीले रंग, पीले वस्त्र, पीला हार श्रृंगार, पीला पुष्प, पीला टिक्का, पीला चंदन, पीली मोली, पीली हर एक वस्तु मैया को प्रिय है, इसलिए इनको कमरा के रूप में भी जाना जाता है। ये शत्रुनाशिनी देवी है, जैसे माता बगलामुखी के चरणों में आकर के भक्तजन अपने मनोकामना के लिए जहाँ पे आकर के पूजा पाठ हवन इत्यादि करवाते हैं, वो शीघ्र से शीघ्र फलदायक होते हैं। तो जहाँ पे आकर के जिस प्रकार के हवन होते हैं वो ये हैं कि अनिष्ट ग्रहों की शांति, रोग शांति, राजद्वारे में भी ये व्यापार में वृद्धि, सुख समृद्धि, कीर्ति लक्ष्मी, मुकदमे में भी ये धन लक्ष्मी, राज्य श्री, बीए श्री के लिए माता भगवती बगलामुखी जी की पूजा अर्चना हवन इत्यादि किए जाते हैं और वो शीघ्र शीघ्र फलदायक होते हैं। पहले युग में यहाँ पे आकर के जो मंदिर का जो निर्माण आप देख रहे हैं, मंदिर के किले के समान जो मंदिर जो बना हुआ है, ये राजा संसार चंद्र हुआ करते थे कांगड़ा के, तो उन्होंने ये मंदिर का निर्माण किया है। तो उसके बाद जो पहला पॉलिटिकल हवन यहाँ पे, राजनीतिक हवन जो है वो
स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का हुआ था। उन्होंने उस पद प्राप्ति के लिए जहाँ पे आकर के अनुष्ठान किया था, तो उसके बाद जहाँ पे देश विदेशों से लोग आते हैं अपनी अपनी मनोकामना के लिए, विशेषतः ये राज्य श्री की प्रधान देवी है, कि राज्य श्री की इष्ट देवी है, जैसे राज्य श्री में विजय श्री प्राप्ति हेतु माता बगलामुखी की पूजा अर्चना हवन इत्यादि जो किए जाते हैं वो शीघ्र से शीघ्र फलदायक होते हैं। पंडित जी आप हमें बताएं, जहाँ पे जो हवन होता है और जो हवन के बाद जहाँ यज्ञ है, जहाँ पे जो लंगर लगे जाते हैं, अब जो लंगर लग रहे हैं, जहाँ जो लॉकडाउन लगा जो कोविड के महामारी के कारण जो लॉकडाउन से कितना ये मंदिर को इफेक्ट पड़ा है, या कह सकते हैं कि हम लोग जो दूर दूर से हमारे लोग दर्शन करने आते हैं उसमें कितना फर्क पड़ा है। देखिए जैसे ये महामारी कोरोना रूपी महामारी जो पूरे विश्व को उसने जनसोच कर रख दिया है जी, इफेक्ट तो काफी जगह पे पड़ा है, जैसे मंदिरों में भी इसका इफेक्ट पड़ना ही था जी। जैसे काम कारोबार लोगों के ठप हो गए थे, काम कारोबार बंद थे, तो वैसे ही मंदिर भी जो है गवर्नमेंट की एसओपी के अनुसार, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार बंद कर दिए गए थे जी। तो मंदिर में भी हमें जो है व्यवस्था सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए अभी गवर्नमेंट ने जो दोबारा नई एसओपी गाइडलाइन जो आई है उसके अनुसार जो मंदिर में श्रद्धालुगण जो आ रहे हैं अभी इस वक्त, वो उनको आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना पड़ता है जहाँ पे आने के लिए, तो उसकी 72 घंटे की रिपोर्ट पहले करवा करके जो बाहरी राज्यों से जहाँ पे श्रद्धालुगण आ रहे हैं वो तो उनके पास रिपोर्ट होना अनिवार्य है। उसी के रिपोर्ट जब उनके पास होगी उसके अनुसार उनको गवर्नमेंट की गाइड अनुसार जो है दर्शन होंगे। और फर्क जैसे आपने बोला कि काम जो मंदिर में दर्शन करने की जो यात्री जो आते थे वो अभी जितने 2019 के मुकाबले इस बार बहुत ज़्यादा कम है जी, बहुत ज़्यादा कम लोग आ रहे हैं जी, तो उसके हिसाब से मंदिर में थोड़ा फर्क तो पड़ता ही है जी। चलो पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माता भगवती का जो है ये माता बगलामुखी का मूल मंत्र भी एक बार आपको बता दी, बिल्कुल जनों को अपने घर में बैठ करके पूजा पाठ इत्यादि करवा सकते जी, बिल्कुल अपने खुद भी कर सकते हैं जी, बिल्कुल। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां केलय बुद्धिं विनाशाय हलीं ओं नमः। भगवती बगलाये नमो नमः, नमो नमः। जयकारा देवी बगला जीदा वो सांचे दरबार की जय। क्या नाम है तेरा? अनुज। केरे स्कूल पढ़ना? मैं बड़वाल। बड़वाल इसे कि बनाते भिंडी को
बढ़िया लोग Yeah.